आइए आज हम बनाते हैं बचे हुए चावल से सब्जी। इसके लिए हमने एक कटोरी बचे हुए चावल लिए हैं, एक कटोरी दही लिया हुआ है और 3 बड़े टमाटर पीस कर लिए हुए हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं चावल की सब्जी। सबसे पहले इन चावलों को हम एक ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये थोड़ा कटा हुआ अदरक, अदरक हमने टुकड़ों में काट कर रखा हुआ है, ये एक हरी मिर्च, ये भी इसी में डाल देंगे और थोड़ा सा दही इसमें डालकर हम इसको पीस लेंगे। हम पूरा दही नहीं डालेंगे, दही बचा लेंगे, थोड़ा सा दही डालते हुए इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए इस तरीके हमने इसका बारीक पेस्ट बना पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे हम। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। इसके लिए हमने इसमें डाला है थोड़ा सा चाट मसाला, नमक डाला है हमने इसमें और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे हम इसमें। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च डाली है, इसलिए ज़्यादा तीखा हो जाएगा, इसलिए हमने लाल मिर्च नहीं डालेंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। यह हरा धनिया हमने काट कर पहले से धुल कर साफ करके रखा हुआ था। अब हम सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये बैटर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा गीला है, इसलिए अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें आप सत्तू भी मिक्स कर सकते हैं। अगर सत्तू भी नहीं है तो बेसन इसमें भूनकर मिक्स कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मैदा मिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। आप देख लीजिए आराम से, जितने में आपका गाढ़ा हो जाए उतना चावल का आटा मिलाइए आप। आप इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए इसको अच्छे से अपने मिक्स कर लिया है। इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इस तरीके से आप छोटे छोटे बॉल की तरीके बना सकते हैं, लंबे शेप में भी आप बना सकते हैं, जो आपको शेप पसंद हो उस आकार में आप बना सकते हैं इसको। ये देखिए इस तरीके हम इसको कटलेट के शेप में बनाकर सारे तैयार कर लेंगे, तो ये देखने में थोड़े अच्छे लगेंगे इसलिए हम इनको कटलेट के शेप में बना रहे हैं। बाकी आप चाहें तो आप इस तरीके गोल शेप में भी बना सकते हैं, ये देखिए कोफ्ता के शेप में भी बना सकते हैं, थोड़ा लंबे शेप में भी बना सकते हैं, जो आकार आपको अच्छा लगे देखने में आप वो बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके हमने सारे रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको तलेंगे। अब इनको तलने के लिए हमने पहले से गैस पर तेल गरम कर लिया हुआ है। अब हम इसमें एक एक डालकर इस तरीके से तल लेंगे। हम इनको लो फ्लेम पर ही तलेंगे ताकि ये आसानी से अंदर तक सिक जाए। तो देखिए हमने दोनों साइड से कुरकुरा होने तक अच्छे से सेक लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर इसका आया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। और बाकी के बचे हुए इसी तरीके सेक लेते हैं।
देखिए ये भी बैच हमारा सीख चुका है, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। देखिए उसी कढ़ाई में हमने बाकी एक्स्ट्रा निकाल लिया है, थोड़ा सा आल छोड़ा है। अब हम इसमें डाल देंगे एक पिंच हींग, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग थोड़ी सी, अब इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे और जीरा हमारा चटकने लगेगा, सारे मसाले हम भून लेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने पीस के रखा हुआ है, अब इस टमाटर को हम अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने पकौड़ियों में भी नमक डाला है, इसलिए आप ध्यान से डालिएगा। अब इसमें हम सिर्फ नमक डाल देंगे, बाकी मसाले अभी नहीं डालेंगे और टमाटर को अच्छे से पकने देंगे। तो देखिए ये जो दही हमने लिया हुआ है इसमें हम डाल देंगे मसाले अपने, एक चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले हम इसी में डाल देंगे। हम मसाले गैस उसमें नहीं डालेंगे कढ़ाई में, सारे मसाले इसी में डाल देंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे दही में सारे मसालों को। इसमें थोड़ी सी हम कसूरी मेथी भी डाल देंगे, इसको भी इसी में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए टमाटर का पेस्ट हमारा भूनकर तैयार हो गया है। अब हम इसी में दही डाल देंगे जो हमने फेंट कर रखा हुआ है, और दही डालकर हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो दही हमारा फट जाएगा, इसलिए हम इसको लगभग 5 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे। देखिए ये जो हमने तल कर रखी पकौड़ियाँ इनको हम इस तरीके से कट करके सब्जी में डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारी कट कर लेंगे और कट करके ये सब्जी में डालेंगे। तो देखिए इस तरीके हमारा दही भून गया है, सारे मसाले हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए डाल देंगे पानी, और पानी डालकर इसको खौला लेंगे। आप इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालिएगा। तो देखिए इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालिएगा, ग्रेवी पतली ही रहेगी तभी ठीक रहेगा, क्योंकि ये पकौड़ियाँ हमारी ग्रेवी सोख लेंगी। इसलिए इस तरीके से ये थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए तब हम इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे। अब देखिए ये हमारा ग्रेवी खोलने लगी है, अब हम इसमें डाल देंगे ये पकौड़ी, और ये डालकर बस एक उबाल आने तक हम इसको पका लेंगे इसके साथ। तो देखिए सब्जी में हमारे उबाल आ गया है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। बस एक उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे और इसको रख देंगे ठंडा होने पे। ये पकौड़ियाँ सारी ग्रेवी सोख लेंगी। तो बनकर तैयार है हमारे चावल की सब्जी। जब घर में कोई भी सब्जी ना हो तो इस तरीके आप सब्जी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्री में सब्सक्राइब कीजिए शशि का किचन यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबाइए टेस्टी कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।